नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम डीजे क्लोजिंग सर्किट के बारे में बात करेंगे। इस सर्किट में आर्नो फिटेड लोको और एसीबी टाइप लोको के बारे में चर्चा किया गया है। इस सर्किट में आपको नीचे 6 क्वायल Q118, Q44, Q45, C118, EFDJ और MTDJ क्वायल दिख रही है। EFDJ और MTDJ दोनों लगा है, इसका मतलब ACB टाइप DJ से लगा हुआ है इसमें, और C118 क्वायल लगा है, इसका मतलब कि कौन सा क्वायल लगा है इसमें। C118 का मतलब आर्नो फिटेड लोको है, आर्नो का स्टार्टिंग फेज कॉन्टैक्टर लगा हुआ है। शुरुआत में जब हम DJ लगाने जाते हैं तो HB ऑन करके बैटरी वोल्टेज देख चुके होते हैं, बेबी कंप्रेसर चला के RS प्रेशर बना चुके होते हैं, और BL की अनलॉक करके LSDJ, LSCHBA, LSGR और LSB पायलट लैंप का जलना कंफर्म कर चुके होते हैं। फिर ZPT को एक पे करके पिछला पेंटो हम लोग उठा चुके होते हैं, फिर BLDJ ऑन करके BLRDJ प्रेस करते हैं। कैसे ये काम करेगा सर्किट देखते हैं अब हम। सबसे पहले जैसे ही हमने HB ऑन किया था, बैटरी की सप्लाई नेगेटिव सर्किट में और पॉजिटिव में तब आगे बढ़ेगी जब हमारा CCBA 35 एम्पियर का और CCPT 16 एम्पियर का, जो कि स्विच बोर्ड पर लगे हुए हैं फ्यूज, ये सही हैं। अब हम देखते हैं कि Q118 ब्रांच में सप्लाई कैसे जा रही है। इसमें ऊपर से जो सप्लाई आ रही है ये C118 के नॉर्मली क्लोज से देखिए सप्लाई नीचे आएगी। ये नॉर्मली क्लोज क्यों लगा हुआ है, क्योंकि C118 कॉन्टैक्टर इस समय खुला हुआ है। उसके बाद तीन रास्ते हमारे पास मिल रहे हैं। एक बीच का रास्ता जो दिख रहा है वो रिले का रास्ता है। ये रास्ता करंट का फ्लो इससे तब होगा जब हमारी रिले काम करना शुरू करेंगी, इसका मतलब ऑक्सिलरी हमारी वर्किंग में रहेंगी। जो तीसरा नंबर का रास्ता है स्विच का, इसमें देखिए सारे 0 और 3 पोजीशन दिए हुए हैं। ये रास्ता तब बनेगा जब हम ट्रबल शूटिंग करेंगे, क्योंकि इस समय सारे स्विच हम कहाँ देख कर आए हैं, एक नंबर पे। तो लेफ्ट साइड में जो है C105, 106, 107 ये जो तीनों नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक लगे हैं, इसके माध्यम से सप्लाई नीचे आएगी। इसका NCI इन ब्लोअर के कॉन्ट्रेक्टरों का इसलिए लगा है क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्टर अभी क्या हैं, खुले हुए हैं। तो इधर से सप्लाई आ जाएगी नीचे। फिर Q44 का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक लगा हुआ है, चूँकि नीचे Q44 में सप्लाई अभी नहीं गई है, इसलिए ये Q44 का नॉर्मली क्लोज बना रहेगा, सप्लाई आ जाएगी नीचे। उसके बाद ये सप्लाई Q46 के नॉर्मली क्लोज से आ जाएगी नीचे। क्यों? चूँकि Q46 तब इनर्जाइज होता है जब MP को 0 और GR को किसी नाच पे फंस जाता है, तब Q46 इनर्जाइज होती है। चूँकि अभी स्टार्टिंग पीरियड में MP भी 0 है और GR भी 0 है, इसलिए Q46 डी इनर्जाइज रहेगा, इसका नॉर्मली क्लोज लगा रहेगा। फिर GR हमारा 0 से 5 कहीं ना कहीं है ही है, तो Q118 रिले इस तरह हमारी इनर्जाइज हो गई। इसका मतलब लोको पायलट ने सिर्फ HBA को 1 पे किया और Q118 रिले इनर्जाइज हो गई। इसके इनर्जाइज होते ही Q118 का ये जो नॉर्मली ओपन इंटरलॉक आपको दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, लग जाएगा। अब बात करते हैं Q45 ब्रांच की। इसके ऊपर देखिए यहाँ CCDJ लगा हुआ है। अगर ये हो सही है, हेल्दी है, मेल्ट नहीं है, तो सप्लाई नीचे आई। फिर वहाँ BP1DJ का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक लगा है। ये BP1DJ एक पुश बटन टाइप का लगा हुआ है हमारे रिले पैनल पर। इस बटन को दबाकर हम DJ ओपन करते हैं। जब तक इस बटन को हमने नहीं दबाया है ये नॉर्मली क्लोज बना रहेगा, सप्लाई आएगी नीचे। फिर दो रास्ते हैं, एक Cab1 साइड का, एक Cab2 साइड का। मान लिया हम Cab1 में इस समय हैं, BLDJ चूंकि हम ऑन कर चुके हैं और ZPT से पेंटो उठा चुके हैं, इसलिए ये BLDJ और ZPT का नॉर्मली ओपन जो है ये क्लोज रहेगा और सप्लाई हमारी Q44 के टॉप पर ऐसे पहुंच जाएगी। उसके बाद अब जब हम Q44 ब्रांच के ऊपर अभी सप्लाई नहीं आ पाएगी, क्योंकि Q45 और Q30 दोनों नॉर्मली ओपन वाले क्या हैं, अभी खुले हुए हैं,
इसलिए हम बात करते हैं Q45 की। जैसे ही हम BLRDJ को दबाते हैं, चूँकि हमारा GR जीरो पर है, इसलिए Q45 हमारी इनर्जाइज हो जाती है। और Q45 इनर्जाइज होते ही यहाँ आप देख लीजिए, तीन जगह Q45 का नॉर्मली ओपन बना हुआ है। ये तीनों क्या होंगे कि नॉर्मली ओपन से क्लोज हो जाएंगे। और नॉर्मली ओपन से क्लोज होते ही ये Q45 जो Q44 के ऊपर लगा है, ये बंद होगा और सप्लाई Q118 तक पहुँचेगी। और चूँकि Q118 पहले से ही बंद है, इसलिए सप्लाई Q118 और GR जीरो एंड फुल नाच का ये इंटरलॉक लगा है। GR हमारा जीरो पे ही है, तो Q44 हमारी इनर्जाइज हो जाती है, जिसके कारण ये राइट में जो Q44 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक लगा हुआ है वो हमारा क्या होगा, बंद हो जाएगा और उससे सप्लाई आ जाएगी नीचे। चूँकि Q45 हमारा पहले से बंद है, इसलिए इधर से सप्लाई नीचे आएगी, कहाँ तक, QCVR के नॉर्मली क्लोज तक। QCVR आर्नो के काम की जांच करने वाली रिले है। चूँकि आर्नो अभी काम नहीं कर रहा है, इसलिए रिले डी एनर्जाइज रहेगी और ये नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक लगा रहेगा। इस माध्यम से हमारा C118 कॉयल में सप्लाई जाएगी और C118 कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाएगा। फिर देखते हैं MTDJ ब्रांच पर, आप ध्यान दीजिए MTDJ ब्रांच पर सभी नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक लगे हैं सेफ्टी रिले की। QLM, QOP1, QOP2, QRSI1, QRSI2, QOA और QLA, ये सभी चूँकि अभी ऑपरेट नहीं हुए हैं, हम लोग को चेकिंग के दौरान देख चुके हैं कि किस कोई भी सेफ्टी रिले का टारगेट गिरा नहीं है, इसलिए सप्लाई आ गई नीचे। ये जो QPDJ लिखा हुआ है, ये DJ के प्रेशर को मॉनिटर करने वाला रिले है। चूँकि RS प्रेशर 6.5 तक हम लोग बना चुके हैं, इसलिए ये बंद रहेगा और सप्लाई हमारी MTDJ में चली जाएगी। साथ ही साथ इसके बगल में देखिए FDJ ब्रांच पर Q45 का नॉर्मली ओपन चूँकि बंद है, C118 का भी नॉर्मली ओपन बंद हो चुका है C118 कॉल में सप्लाई जाने के बाद। इस तरह EFDJ में भी सप्लाई चली जाती है और हमारा लैम्प जो कि LSDJ है, DJ का लैम्प, वो बुझ जाता है। LSDJ लैम्प बुझते ही क्या होता है, DJ लग जाएगा और OHE की सप्लाई हमारी पेंटो और DJ के माध्यम से मेन ट्रांसफार्मर में पहुंचेगी, वहां से इंडक्शन के थ्रू ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर में पहुंचेगी और ऑक्सिलरी पावर सर्किट भी इनर्जाइज हो जाएगा, उसमें करंट प्रवाहित हो जाएगी। दोस्तों, आप लोगों को ऑक्सिलरी पावर सर्किट के बारे में बताया जा चुका है, उसमें Q30 रिले के ऊपर Q45 का नॉर्मली ओपन बना हुआ है और एक साइड पाथ खुद इसका RQ30 लगा हुआ है। चूंकि Q45 ये वाला इंटरलॉक आपका BLRDJ दबाने से बंद है और सप्लाई ऊपर से ऑक्सिलरी पावर सर्किट में आ गई, कब, जब DJ लगा, तो इस Q45 के माध्यम से ये Q30 जो लगा हुआ है ये हमारा इनर्जाइज हो जाएगा। और वहाँ पे जब ये इनर्जाइज हो जाएगा तो यहाँ पे आप देखिए Q44 के टॉप पर जो वो लगा हुआ है Q30 का नॉर्मली ओपन, ये क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा और इधर से भी सप्लाई GR0 के माध्यम से Q44 को मिलना शुरू हो जाएगा। चूँकि ऑक्सिलरी पावर सर्किट में करंट पहुँच गया है, आर्नो ने काम करना शुरू कर दिया, यानी QCVR रिले पिकअप हो जाएगी और बैटरी चार्जर के काम करने से QV61 रिले इनर्जाइज हो जाएगी, तो QCVR और QV61 का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक पायलट लैम्प में जो LSCHBA के ऊपर है वह ओपन होगा, LSCHBA की बत्ती बुझ जाएगी। जैसे ही LSCHBA की बत्ती बुझेगी, हम क्या करेंगे, BLRDJ को यहां से छोड़ देंगे और BLRDJ छोड़ते ही Q45 की सप्लाई कट जाएगी। Q45 के डीएनर्जाइज होते ही Q45 का नॉर्मली ओपन जहाँ जहाँ पे लगा हुआ था, ये वापस नॉर्मली ओपन खुल जाएंगे और इनके खुलने के कारण ये जो ब्लू लाइन में आपको सप्लाई आती हुई दिख रही थी, ये सप्लाई क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो Q44 के टॉप पे इधर से सप्लाई आना बंद हुआ Q44 का 45 के थ्रू, लेकिन Q30 के माध्यम से इनर्जाइज रहेगा। BLRDJ चूँकि हमने छोड़ दिया है, इसलिए Q45 के ऊपर का ये रास्ता मिटा देते हैं और
Q45 का नॉर्मली ओपन ये रास्ता खुल गया, C118 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, और आर्नो काम करने लगा, उसकी रिले QCVR इनर्जाइज हुई, तो नॉर्मली क्लोज ये भी खुल गया C118 के ऊपर। इस तरह C118 ब्रांच की सप्लाई क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। चूँकि C118 और Q45 दोनों खुल गए हैं, इसलिए EFDJ के ऊपर दोनों नॉर्मली ओपन ये खुल जाएंगे और EFDJ की भी सप्लाई कट जाएगी। ठीक, पहली चीज़ हो गई दोस्तों। दूसरी चीज़, जब हमारा DJ हम लगा रहे थे और C118 में सप्लाई गई थी और Q44 में सप्लाई गई थी, उस समय हमारा C118 का ये नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक और Q44 का ये नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक भी खुल गए थे। इसका मतलब कि Q118 की सप्लाई यहाँ से Q44 के नॉर्मली क्लोज से और C118 के नॉर्मली क्लोज से कट चुकी थी, लेकिन चूंकि आपको पता है कि ये जो हमारा Q118 है और पे 5 सेकंड का टाइम लैग, Q44 पे 0.6 सेकंड का टाइम लैग लगा है, तो Q118 की सप्लाई कटने के बावजूद 5 सेकंड तक ये आपको पिकअप बनाए रहता है और C118 की सप्लाई हम LSCHV बुझने के बाद Q45 के माध्यम से काट देते हैं, यानी 4 सेकंड में। तो 4 सेकंड में चूंकि C118 की सप्लाई फिर कट गई, इसलिए ये C118 का नॉर्मली क्लोज Q118 के ऊपर पुनः लग गया और आर्नो के साथ 5 ऑक्सिलियाँ डायरेक्ट चलती हैं। कौन कौन सी? एम्पियर, MVSL1, MVSL2, MVSI1 और MVSI2। तो इन ऑक्सिलियों की रिले का काम करेंगे और ये नॉर्मली ओपन बंद हो जाएगा। इसके कारण Q118 की सप्लाई जो 4 सेकंड के लिए कट गई थी वो वापस स्टार्ट हो जाएगी और Q118 कंटिन्यू पिकअप बना रहेगा। तो दोस्तों, इस समय जो रेड लाइन में आपको सर्किट दिख रही है, यही सर्किट कंटिन्यू बनी रहेगी जब हमारा DJ लग जाएगा, पहला चीज। दूसरा, जब हम गाड़ी चलाने चलेंगे और BLVMT ऑन करेंगे, ब्लोवर के कॉन्टेक्टर हमारे लग जाएंगे, तो Q118 ब्रांच पे ये लाइन जो येलो लाइन से हमने ड्रा किया, इस लाइन के माध्यम से यानी सीधी सप्लाई आना शुरू हो जाएगा और 5 नाच तक GR वाला भी इंटरलॉक लगा रहेगा, लेकिन 6ठे नाच पे जो हमारी Q118 रिले है, ये सीधे वाला जो रास्ता है, इस रास्ते से इनर्जाइज बना रहेगा। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है कि Q118, Q44 और MTDJ, इन तीनों में सप्लाई कंटिन्यू बनी रहेगी और DJ हमारा लगा रहेगा। अगर किसी कारण से हमारा DJ खुलेगा, तो किसके कारण खुलेगा? या तो Q118 की सप्लाई कट रही हो, या Q44 की सप्लाई कट रही हो, और या फिर MTDJ की सप्लाई कट रही हो। अगर MTDJ के ब्रांच पे लगे हुए किसी भी सेफ्टी रिले में कोई भी कमी आई, वो सेफ्टी रिले का टारगेट गिरा, तो DJ तुरंत ओपन होगा। Q44 के ऊपर कुछ भी, कहीं से भी कोई गड़बड़ होती है, सप्लाई कटती है, तो DJ 0.6 सेकंड में खुल जाएगा। Q44 को हाफ नाच प्रोटेक्शन रिले कहते हैं, और आप देख रहे हैं इसके ऊपर ये GR क्लोज ऑन जीरो एंड फुल नाच का इंटरलॉक इसीलिए लगा है कि जब हम नाच लेते हैं तो ये कांटेक्ट खुल जाता है, फिर जब GR घूम के, GR रोटरी है, जब घूम के दोबारा अपनी जगह पहुंच जाएगा तो ये कांटेक्ट फिर से लग जाएगा और Q44 की सप्लाई बनी रहेगी। यानी नाच लेते समय 0.6 सेकंड के लिए अगर सप्लाई कटी भी, तो भी Q44 के अंदर लैग है 0.6 सेकंड का, अपने आप को पिकअप बनाए रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप मैनुअल कंट्रोल करें तो एक नाच बढ़ाने या घटाने में 0.6 सेकंड के अंदर ही ये क्रिया कर लें, ताकि DJ ओपन ना होने पाए। ठीक, साथ ही साथ इधर देखिए कि अगर Q118 के ब्रांच पे कोई भी कमी हुई, तो Q118 5 सेकंड तक तो अपने आप को पिकअप बनाए रहेगा, उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद ये यहाँ Q118 का नॉर्मली ओपन यहाँ खुलेगा, जिसके कारण
Q44 की सप्लाई कटेगी और 0.6 सेकेंड ये भी अपने आप को रोक लेगा, यानी 5 सेकेंड Q118 और 0.6 सेकेंड 44 कुल मिला के 5.6 सेकेंड में डीजे ट्रिप होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये डीजे क्लोजिंग सर्किट अब आपके लिए आसान हो गया होगा। आगे फिर से कुछ इस टाइप के वीडियो हम बनाएंगे ताकि आप लोगों को मदद मिले। थैंक यू।